तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छी होंगी। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। आप लोगों की डिमांड पर कैसले डीआई की वीडियोस मैं अपलोड करवा रहा हूं। एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं, तो वो बेसिक पार्ट था, उसको जरूर देख लेना। और इट्स अ सेकेंड पार्ट, राइट? तो सेशन अच्छा लगे, वीडियो से अगर इन क्लासेस से अगर तुम कुछ सीखते हो तो अपने दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करना। बस एक छोटा सा काम तुमसे चाहिए कि सेशन को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा अच्छा लगता है बस, ठीक है? चलिए, तो क्लास स्टार्ट है, आप क्लासेस को देखिए और एंड में मुझे जरूर बताना कि क्लासेस आपको कैसी लगी। तो भाई ये रही डीआई तुम्हारे सामने। एक बार मैं हिंदी के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्क्रीन से गुम कर लेता हूं। अब एक काम करो, हिंदी वाले बच्चे आराम से एक बार देख लो, ठीक है? या फिर इसको नोट कर लेना, बिकॉज आगे जो होगा वो केवल इंग्लिश में होगा, क्योंकि फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो हिंदी के जो मतलब जो हिंदी जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? और मैं ये कहूँगा कि एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, ठीक है बच्चे? एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो सभी के सभी, और देखो कि तुम पे सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। और बहुत ही अच्छी कैसलेट डीआई है ये, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, ना हार्ड ना टफ, पर लॉजिकल है, ठीक है? लॉजिकल है, मतलब जब तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस होगी, एक अच्छा लेवल तुमने टच कर रखा होगा, तो आप इस डीआई को कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए। पढ़ लो, हिंदी वाले लिख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके देख लेना, कैसे भी तुम लोग एक बार कर लो इसको, ठीक है? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए ठीक है ना, तो भाई एक काम करना कि वीडियो को पॉज करके जिनको पहले सॉल्व करना है वो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज मैं इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों? चलिए, तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले समझ लो चीजों को कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें दे रखा है, देयर इज अ सम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ फोर विलेज। पहली बात तो देखो, फोर विलेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है? चार गांव के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में। चलो, तो यहाँ है इंफॉर्मेशन फॉर विलेज ए, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है विलेज बी के बारे में, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है विलेज सी के बारे में, और ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है विलेज डी के बारे में, ठीक है? अब देखो कि इंफॉर्मेशन किस किस के बारे में दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, टेबल, क्लियर है? और उसके बाद ये देखो, देखो आपको पता होना चाहिए कि कैसलेट डीआई जो है ना वो दो तरह की होती है, ठीक है? अगर हम कैसलेट डीआई की बात करें तो वो दो तरह की होती है बच्चे। कौन कौन सी होती है? या तो वेन डायग्राम पर बेस्ड होगी, ठीक है, या फिर किस पर होगी, टेबल पर बेस्ड होती है, या फिर जो तीसरी बनती है ना वो अर्थमेटिक चैप्टर पर बेस्ड होती है, जैसे कि मान लो कि टाइम एंड वर्क पर बेस्ड हो गई या किसी चैप्टर पर बेस्ड होती है, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? तो तीन तरह की हम बेसिकली डीआई लेके चलते हैं, वेन डायग्राम पर बेस्ड और टेबल बेस्ड, और आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक जो चैप्टर्स होते हैं जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह, उस पर बेस्ड, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई इसमें वेन डायग्राम बनेगा या टेबल। अब देखो मेंस लेवल के तुम डीआई पढ़ रहे हो तो तुम्हें कैसलेट का बेसिक तो आता होगा, इतना मैं लेके चलूंगा भाई, ठीक है? बिल्कुल यहाँ बेसिक नहीं बताने वाला मैं, बेसिक के लिए तुमने और सारी वीडियोस देख ली ही होंगी, पर फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो वेन डायग्राम के लिए क्या होता है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज बोथ थ्री, ठीक है,
ऐसे वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो श्योर होता है कि वो जो कैसलेट डीआई है वो वेन डायग्राम पर बेस्ड होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब हमें ये समझना है कि ये अर्थमेटिक पर बेस्ड है या टेबल बेस्ड है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो क्या बोल रखा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड नॉन फार्मर इज 1000। उसके बाद ये रखा है द रेशियो ऑफ लिटरेट लिटरेट फीमेल एंड इलिटरेट मेल इज 9:4। फिर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एंड टोटल फीमेल इज 600। द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इज 140% ऑफ टोटल फार्मर इन द विलेज। द एवरेज लिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल इज 550। देयर आर 1000 लिटरेट पीपल आउट ऑफ द 600 फीमेल। मतलब अर्थमेटिक पर बेस्ड नहीं है ना? मतलब यहाँ क्या बनेगी, टेबल बनेगी। केबल और केवल किस पर बेस्ड है, टेबल पर बेस्ड ये है। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये सब कुछ मैं एक बार मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ लो, उसके बाद समझ लो कि किस पर बेस्ड है। तो ना तो ये वेन डायग्राम पर बेस्ड है, क्योंकि एज वेल एज बोथ वगैरह ऐसी कोई लैंग्वेज यूज हुई नहीं है, ना कोई अर्थमेटिक चैप्टर पर बेस्ड है। तो ये सिंपल सी बात है कि टेबल पर बेस्ड दिया ही है। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। अब बात होती है सर टेबल कैसे बनेगी। तो टेबल पे देखो ध्यान से फोकस करना है कि क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर दे रखी है। जैसे कि विलेज है, पहली बात चार विलेज की बात कर रहा है, ए बी सी डी, और उसमें टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, नॉन फार्मर की बात कर रहा है, नॉन फार्मर तो फार्मर भी होंगे। फिर किसकी बात कर रहा है, लिटरेट फीमेल और इलिटरेट मेल की बात कर रहा है, तो मेल और फीमेल की भी बात हो रही है। ठीक है, तो जिन जिन की बात हो रही है, एक बार मैं उस पर मार्कर चला देता हूँ येलो कलर का, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टेबल बनाएंगे। फिर बोल रहा है टोटल मेल एंड टोटल फीमेल की बात कर रहा है। फिर क्या बोला, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इज 140% ऑफ टोटल फार्मर की भी बात कर रहा है, एवरेज ऑफ लिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल की भी बात कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो इन सब की बात कर रहा है। तो देखो टेबल बनेगी कुछ इस तरह से, यहां हम लिखेंगे विलेज, तो कितने विलेज हैं ये समझो। ठीक है बच्चे, विलेज कितने हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर विलेज है यहां पर ए बी सी और डी। ठीक है, अब विलेज में सबसे पहले क्या आएगी, टोटल पॉपुलेशन आएगी, और टोटल पॉपुलेशन देखो किस किस से मिलकर बनेगी। सीधी सी बात है कि टोटल पॉपुलेशन जो बनेगी सर, इसमें हमें दे रखे हैं क्या, नॉन फार्मर और फार्मर, मतलब फार्मर जो लोग फार्मर हैं और जो नॉन फार्मर हैं, इनसे मिलकर ही तो टोटल पॉपुलेशन बनेगी बच्चे। बोलो इन लोगों को मिलाकर ही तो टोटल पॉपुलेशन बनेगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन में क्या है, मान लो कुछ तो किसान है और कुछ लोग बिजनेसमैन है या फिर क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या है, फार्मर और नॉन फार्मर को मिलाकर बनेगी। तो यहां हम लिख देंगे फार्मर, यहां हम क्या लिख देंगे, नॉन फार्मर। मैं पहले बनाना सिखा रहा हूं क्योंकि मैंने टेबल बना रखी है आगे। ठीक है, उसके बाद देखो मेल की बात कर रहा है तो यहां लिखेंगे मेल हम लोग, और फीमेल की बात कर रहा है तो यहां लिखेंगे फीमेल। और मेल और फीमेल को भी हम डिवाइड करेंगे किसमें बच्चे, लिटरेट में और इलिटरेट में, लिटरेट में और इलिटरेट में, क्योंकि लिटरेट और इलिटरेट की तो बात कर रहा है। तो टेबल कुछ इस तरह से बनेंगी, ये सारी चीजें इस टेबल के अंदर आने वाली है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतनी गंदी टेबल, नहीं मैंने बना रखी है, बस तुम्हें अभी बनाना सिखा रहा हूँ कि टेबल तुम्हें किस तरह से बनानी है। तो एक बार जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना एक बार अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करना कि टेबल में क्या क्या आना है। क्योंकि मान लो तुमने आधा अधूरा पढ़ा और टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर तुमने कुछ चीज मिस कर दी, तो फिर बहुत ज्यादा डबल टाइम लग जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। चलो मूव हो जाओ भाई, ये रही, ये अब तो प्यारी सी टेबल तुम्हें दिखाई दे रही होगी, है ना? ठीक है ना, तो देखो ये सब कुछ यहां पर आ गया है, क्लियर है? विलेज, टोटल, फार्मर, नॉन फार्मर। अच्छा देखो एक बात, मेरी बात को समझने की, ध्यान से समझने की बात करना। पहली बात तो टोटल पॉपुलेशन एक तो बनेगी किस किस से, एक तो बनेगी किससे बच्चे, फार्मर और नॉन फार्मर को मिलाकर। और टोटल पॉपुलेशन अगर मैं देखूं कि इसी क्वेश्चन में, और किस किस से मिल से बन सकती है, मेल और फीमेल, ये भी टोटल पॉपुलेशन का ही पार्ट है। और क्या बन सकता है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इसी में हम बोल सकते हैं सर लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल। ठीक है, ये सब टोटल पॉपुलेशन की तो पार्ट है, समझ में आया? टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं किसमें, फार्मर और नॉन फार्मर में भी। टोटल पॉपुलेशन को किसमें डिवाइड कर सकते हैं, मेल और फीमेल का सम करोगे तो भी टोटल पॉपुलेशन मिलेगी, और लिटरेट और इलिटरेट को प्लस करोगे तो भी टोटल पॉपुलेशन मिलेगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें, जैसे कि बात को समझना। मैंने बोला टोटल पॉपुलेशन यहां पर ये है,
मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है 4,000, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फार्मर है यहाँ पर, फार्मर है 1,000, तो नॉन फार्मर कितने होंगे? आप बोलोगे सर नॉन फार्मर जो होंगे ना हमारे, नॉन फार्मर होंगे 3,000। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि टोटल पॉपुलेशन और नॉन फार्मर के बीच में गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 1,000 के बराबर है ना, ये तो बोलोगे सर 1,000 के बराबर है। और ये जो इनका गैप है, जो ये इनका गैप है 1,000, ये क्या है? ये फार्मर है, ये क्या है? यही फार्मर है ना। इस लैंग्वेज का यूज किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस लैंग्वेज को तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है? समझ में आई तुम बात, तुम्हें ये बात? समझे? जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि टोटल पॉपुलेशन एंड नॉन फार्मर, इनका जो डिफरेंस है, जैसे यहां 4,000 है, ये 3,000 है, इनका जो डिफरेंस है 1,000 है, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 1,000 है, तो जो ये 1,000 जो डिफरेंस है, ये क्या होंगे? ये हमारे फार्मर होंगे। इसी वजह से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1,000 है। तो यहां इस लैंग्वेज को पढ़ना आप, ठीक है? यहां इस क्वेश्चन में विलेज ए के अंदर अब इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड नॉन फार्मर, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन एंड नॉन फार्मर इज 1,000। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल पॉपुलेशन तो बच्चे ये हो गई, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब टोटल पॉपुलेशन में क्या क्या होगा? फार्मर होंगे और नॉन फार्मर होंगे, ठीक है, नॉन फार्मर होंगे। तो टोटल पॉपुलेशन और फार्मर के बीच का जो गैप है ये 1,000 दे रखा है, तो मतलब ये 1,000 क्या है? ये 1,000 फार्मर है, ये 1,000 क्या है? ये 1,000 फार्मर है। समझ में आया? ये यहां पर मैंने चीज तुम्हें समझा दी थी, क्लियर है? चलो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, आगे की तरफ चलते हैं, ये सब गुम हो जाओ, हो गया ना, ठीक है? चलो अब विलेज ए के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें कही थी कि टोटल पॉपुलेशन, ये आ गई हमारे पास टोटल पॉपुलेशन, किस किस से मिलके बनी है? फार्मर से और नॉन फार्मर से। इनका जो हमें डिफरेंस दे रखा है वो हमें डिफरेंस दे रखा है 1,000। तो इनका 1,000 का मतलब यहां फार्मर, विलेज ए के अंदर, विलेज ए के अंदर फार्मर कितने हैं? ये रहा विलेज ए, और विलेज ए के अंदर फार्मर है 1,000, ठीक है? ये बात हमें समझ में आ गई, क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं, आगे हमें और क्या दे रखा है? फिर बच्चे हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल एंड इलिटरेट मेल इज 9:4, ठीक है? तो यहां मैं लिख देता हूं तुम लोगों को, है ना? चलो यही लिख लेते हैं। देखो फीमेल ये रही, तो रेशियो में दे रखा है किसका? लिटरेट, ये फीमेल है और ये लिटरेट है, ठीक है? और बात है यहां पर मेल, और मेल और ये क्या है? इलिटरेट, ये इलिटरेट, ठीक है, ये लिटरेट है दोनों जगह, ये इलिटरेट है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमें जो रेशियो दे रखा है ना बच्चों, वो हमें दे रखा है लिटरेट फीमेल और इलिटरेट मेल। तो लिटरेट फीमेल तो ये वाला बॉक्स है, ये वाला, और इलिटरेट वाला ये वाला बॉक्स है। इनका जो रेशियो दे रखा है वो 9:4 दे रखा है। तो यहां मैं लिख सकता हूँ 9x, छोटा सा लिख लो। और देखो एक बात समझना कि कैसे डीआई जब कर रहे हो ना, तो सारी चीजें लिखते रहना, ठीक है? अगर लिखते रहोगे तो बार बार तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो जो चीजें मिल रही है उनको लिखते जाओ, ठीक है? तो यहां कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4x, 4x, यहां मैं लिख दिया 4x, ठीक है? इन दोनों का मैंने रेशियो लिख दिया है। ठीक है भाई, आगे देखो, फिर बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल इज 600। तो देखो ये टोटल फीमेल है इस वाले बॉक्स के अंदर। भाई टोटल फीमेल कैसे बनेंगी? भाई टोटल फीमेल अगर मैं बात करूं तो टोटल फीमेल क्या होंगी? टोटल फीमेल होंगी सर लिटरेट और इलिटरेट, और ये टोटल मेल है। इन इस दोनों बॉक्स के अंदर क्या आएंगे? हमारे टोटल मेल आएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 600, ठीक है बच्चे? इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 600, ठीक है, क्लियर हो गया? तो फीमेल और मेल का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें 600 दे रखा है, ठीक है? अब देखो आगे, टोटल लिटरेट पीपल, जो है टोटल लिटरेट पीपल इज 140% ऑफ द टोटल फार्मर इन विलेज। ओके, तो लिटरेट पीपल जो है, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, तो लिटरेट में क्या आएगा? लिटरेट फीमेल और लिटरेट मेल आएंगे, ठीक है? इनका जो सम है वो हमें क्या बोल रखा है? 140% है। 140% किसका है? टोटल फार्मर। तो टोटल फार्मर कितने थे? 1,000 थे यहां पर,
तो भाई ये रेशियो अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां मैं लिख रहा हूं कि फार्मर अगर 100% है, देखो यहां फार्मर अगर 100% एज है तो इसका 140% क्या है, लिटरेट पॉपुलेशन है, मतलब कि 140। अब जो फार्मर है वो हमें गिवन है कितना, 1000, मतलब कितना गुना बच्चे, 10 गुना हो गया। तो लिटरेट पीपल्स कितने हैं बेटा, लिटरेट पीपल होंगे 10 गुना, मतलब 1400। तो मैं तुमसे ये बोल सकता हूं कि लिटरेट फीमेल एंड लिटरेट मेल इन दोनों का जो सम है वो 1400 है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गई मेरी बात। चलो अब आगे पढ़ते हैं, और उसके बाद दे रखा है हमें एवरेज ऑफ लिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल फीमेल इज 550। एवरेज दे रखा है, इस पर फोकस करना, इनका एवरेज दे रखा है किसका, लिटरेट मेल, लिटरेट का मैं एल लिख रहा हूं, लिटरेट मेल प्लस में इलिटरेट फीमेल, एवरेज दे रखा है। तो दुगना करोगे तो कितना आ गया, 1100। दुगना करोगे तो बच्चे कितना आ गया, 1100 ये आ जाएगा। तो लिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल हमारे पास कितनी है, 1100 है। आगे पढ़े, आगे पढ़ते हैं, देखो बोला देयर आर 1000 इलिटरेट पीपल या पर्सन। तो विलेज ए के अंदर टोटल अगर मैं बात करूं कि इलिटरेट पीपल कितने हैं, इलिटरेट पीपल हैं 1000, आउट ऑफ 600 आर फीमेल। इसमें से हमें क्या बोला गया है, देखो ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, कहां लिखूं, यहां लिख रहा हूं मैं कि विलेज ए के अंदर जो टोटल इलिटरेट है, इलिटरेट टोटल है 1000, और इस 1000 में से जो फीमेल है, ठीक है, वो फीमेल हमें कितनी दे रखी है, 600। तो अगर फीमेल 600 है तो मेल कितने होंगे, मेल होंगे 400, ये बात तो पक्का है। तो ये इलिटरेट मेल है, इलिटरेट मेल, ये इलिटरेट फीमेल है, ठीक है। तो विलेज ए के अंदर, विलेज ए के अंदर इलिटरेट फीमेल कितनी आ गई, इलिटरेट फीमेल आ गई 600, लिख दूं भाई यहां पर 600, ये मैंने 600 लिख दिया यहां पर। और इलिटरेट मेल कितनी हो गई, ये रे इलिटरेट मेल, मतलब 4x, 4x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4x की वैल्यू है 400, मतलब x की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो भैया लिटरेट, क्योंकि देखो 9, ये 9x था, ये 4x था, तो x की वैल्यू 100 आ गई है, तो लिटरेट फीमेल कितनी आ जाएंगी, 900 आ जाएंगी। ठीक है, लिटरेट फीमेल कितनी होंगी बच्चे, 900 आ जाएंगी, क्योंकि ये भी कितना गुना हो जाएगा हमारा, 100 गुना हो जाएगा, ये भी बच्चे हमारा कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर होगी मेरी। अब हम क्या निकालेंगे भैया, अब क्या निकालेंगे, गे कौन है गे? चलो अभी रुक जाओ, ठीक है। अब देखो लिटरेट टोटल कितने थे, है हमारे पास ये रहे, देखो टोटल लिटरेट थे 1400, है ना, टोटल लिटरेट पीपल कितनी थी, 1400। उसमें से देखो लिटरेट क्या होगा, लिटरेट फीमेल और लिटरेट मेल इन दोनों को मिलाकर तो टोटल लिटरेट बनेगा। तो यहां आ गया 900, तो 1400 में से 900 गए तो 500 ये आ जाएगा भैया, यही तो होगा ना, जो लिटरेट होंगे, ये लिटरेट क्या होंगे, ये मेल और फीमेल को मिलाकर मिलेंगे। तो लिटरेट फीमेल कितनी है, 900, तो 1400 में से 900 गए तो 500 क्या होंगे, मेल होंगे। तो लिटरेट मेल कितने हो गए, 500। ठीक है, अब मैं निकाल सकता हूँ क्या बच्चे, यहां मैं निकाल सकता हूँ टोटल, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल क्या होगा, टोटल एक ये भी तो होगा कि लिटरेट और प्लस में इलिटरेट को ऐड करोगे तो टोटल मिलेगा, या फार्मर नॉन फार्मर को ऐड करोगे तो टोटल मिलेगा, ठीक है, या मेल या फीमेल पता चल जाए तो टोटल मिलेगा। तो देखो टोटल फीमेल या कुछ भी कर लो, ठीक है, फीमेल प्लस में मेल ऐड करोगे तो भी टोटल ही मिलेगा। तो टोटल फीमेल की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 900, और ये कितना हो गया बच्चे, 600, 1500, और ये कितने हैं बच्चे, अगर मेल की बात करें, देखो टोटल फीमेल आ गई हमारे पास 1500, और मेल की अगर हम बात करें तो भाई कितना हो गया बेटा, 500 और 400, ये कितना हो गया, 900। अब ऐड कर लो तो कितने हो गए, 2400, टोटल कितना हो गया भैया, 1500 और 900 कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, तो इस 2400 में से 1000 क्या है, फार्मर है, नॉन फार्मर कितने हो जाएंगे, 1400। लो जी, तो ये तो विलेज ए की कहानी हो गई सारी की सारी, एक एक पॉइंट मैंने कोशिश करी है कि मैं तुम्हें बता पाऊं, ठीक है, और अभी भी तुम्हें समझ में ना आए तो कोई बात नहीं भैया, है ना, हमारी कोई गलती कोई है इसमें, तुम्हारी गलती है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बार बार रिपीट करके देखना चीजों को, ठीक है ना, क्लियर है, बार बार चीजों को रिपीट करके देखते रहना, चीजें काहे को समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चले आगे की तरफ, अब तो देखो मैं भी स्क्रीन पर आ गया हूं,
अभी आप कहता है डीआई जब सॉल्व करवाते तो स्क्रीन पे जगह ही नहीं बचती आने के लिए। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये अब बात करेंगे विलेज ए, देखो यहाँ इस वाले पहले वाले पेज पे मैंने लिख दिया है, यहाँ से नोट करते रहना या फिर लास्ट में पूरी टेबल आ जाएगी, ठीक है। अब विलेज बी को हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर हमारे पास जगह नहीं बचती। सॉरी, अब बात करेंगे विलेज बी की हम लोग, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हमें विलेज बी में क्या बोल रखा है, देखो बोल रखा है देयर आर 200 मोर फीमेल देन मेल। ओके, जो फीमेल है ना, जो फीमेल है वो मेल से 200 ज्यादा है। तो मान लो कि अगर मेल है एम, तो फीमेल कितनी है, फीमेल है एम प्लस में 200। पहली बातों में ये बोली गई है, ठीक है, पहली बातों में ये बोली गई है कि 200 मोर फीमेल देन मेल, ठीक है। जो फीमेल है वो मेल से 200 ज्यादा है। अब आगे हम पढ़ें, द रेशियो ऑफ फार्मर टू लिटरेट इज 5:4, ठीक है भाई। तो यहां लिखो फार्मर, यहां लिख लो लिटरेट, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:4, ठीक है। 5:4 हमें दे रखा है, किसका, द रेशियो ऑफ फार्मर टू लिटरेट इज 5:4, ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब बोल रखा है टोटल पॉपुलेशन इज 25% मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। ओके, तो देखो विलेज ए के अंदर कितनी थे, विलेज ए के अंदर थे 2400, है ना, अभी निकाला था हम लोगों ने। 2400 का 25% ज्यादा कितना, 600 निकाल सकते हो। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3000। चलो एक वैल्यू तो हमें पता चल गई कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3000 है, ठीक है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं, ये सब चीजें जो जो हमें थी वो हमने लिख ली है। अब बोला क्या, लिटरेट फीमेल इज 60% ऑफ द इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन। यहां फीमेल की बात हो रही है और फीमेल में बोला गया है कि अगर इलिटरेट, जो लिटरेट फीमेल है जो पढ़ी लिखी है वो इलिटरेट की कितनी है, 60% है। दोनों जगह फीमेल की ही बात हो रही है, ठीक है, मतलब इस इन दोनों बॉक्स की बात हो रही है, इन दोनों बॉक्स की, ठीक है। और हमें ये बोल रहा है कि लिटरेट अगर 100 है, लिटरेट अगर 100 है, तो सॉरी इलिटरेट, इलिटरेट अगर 100 है, ठीक है, इलिटरेट अगर 100 है तो लिटरेट इसका कितना है, 60% है, ये हमें बोला गया, ठीक है। चलें, क्या बोलते हो बबुआ, समझ में आ गया चीज, इतना 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 लिख लिया ना हम लोगों ने। अब आगे पढ़ लेते हैं बच्चे, बोला क्या 28.57% ऑफ टोटल मेल आर इलिटरेट। टोटल मेल भैया, एक तो ये बताओ कि 28.57 सबको पता है कितने के बराबर होता है, 2/7 के बराबर होता है, ठीक है, 2/7 के बराबर होता है, हाँ या ना, बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात समझना ध्यान से मेरी, कि बोल रहा है टोटल मेल, टोटल मेल ये है, टोटल मेल ये है, टोटल मेल, टोटल मेल है ना, क्या बोल रहा है 28.57%, 28.57% ऑफ टोटल मेल, टोटल मेल आर इलिटरेट, आर इलिटरेट, है ना, ठीक है। चलो टोटल है 3000, ठीक है बच्चे, एक सेकेंड, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल देंगे ये दो वैल्यूज, एक सेकेंड रुकना यार। तो टोटल मेल हमारे पास कितने आ गए, टोटल मेल हो गए हमारे पास 7, उसमें से दो क्या हो गई, दो हो गए इलिटरेट। चलो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, चलो ये लिख लेते हैं आर, है ना, रेशियो है आर। तो देखो हमें क्या बोला गया, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, तब जाके बात बनेगी कहानी। बोल रहा है 28.57% ऑफ टोटल मेल आर इटलिट, आर इलिटरेट, ठीक है, ये इलिटरेट है। तो भाई का एक बात समझना कि टोटल मेल कितने हैं, टोटल मेल है सर हमारे पास 7R, मान लो ये टोटल है हमारे पास 7R, उसमें से ये इलिटरेट कितने हैं, इलिटरेट मेल है सर, हाँ बोलोगे सर इलिटरेट मेल है हमारे पास कितने, 2R। तो मैं अगर तुमसे बोलूं, देखो बेटा अगर मैं बोलूं कि टोटल मेल 7R है, एम की जगह मैं लिख रहा हूं 7R, 7R, तो 7R ये टोटल है, इसमें से इलिटरेट, इलिटरेट है 2R, 2R, तो लिटरेट कितने होंगे, 5R, दोनों को जोड़ोगे तो 7R मिलेगा ना, ठीक है। तो टोटल है 7R,
इलिटरेट कितने हैं बेटा, 2R, तू तो बोला है 2/7 होगा, ठीक है 2/7 होगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये यहां पर आएगा ना, पर मैं ए में क्यों लिख रहा हूं, बी में लिखेंगे ना इस बात को, तो यहां पर 2R, यहां पर आएगा 5R, ठीक है भाई। तो ये सब रेशियो मिल गए हमें, अब क्या करोगे। हो गया क्वेश्चन, देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 3000, तो इन दोनों को जोड़ो ना, मैंने बोल रखा है ना कि टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस में क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, ठीक है। तो मेल और फीमेल देखो, मेल कितना है 7R, फीमेल कितनी है एम प्लस में 200, तो टोटल कितना आ जाएगा 3000, 3000 में से 200 को घटा दो कितना आ जाएगा 2800, 2800 कितना हो गया बेटा ये, अच्छा एम की जगह यहाँ भी तो सेवन, यहाँ पे भी 7R आएगा, यहाँ पे भी 7R आएगा ना, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7R, ठीक है बच्चे। तो 7R, 7R कितना आएगा 14R, कैंसिल आउट करोगे तो R कितना आ गया 200, R कितना आ गया 200, तो R की वैल्यू अगर 200 है तो ये 1400 हो गए मेल, टोटल टोटल मेल कितने हो गए 1400, और टोटल फीमेल कितनी हो गई 1600, ऐसा बोला जा सकता है, बोलो ठीक है, या फिर इसको हम तो अभी ऐसे ही समझ लो, ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात। अरे बोलो ठीक है ना इतनी बात। अब देखो टोटल मेल हो गए 1400, 1400 को किसमें डिवाइड करना है, 5R और 2R में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। टोटल कितना हो गया 7R, कितना आ गया 1400 के बराबर, कितना R हो गया 200, तो ये हो जाएगा 1000, मतलब भाई 200 से गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा 1000, और 200 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 400, तो बच्चे ये हो गया 1000, ये हो गया 400, ठीक है। ऐसे फीमेल करोगे 1600 है, 1600 को बेटा 16 के बराबर करोगे तो मतलब 100 गुना, तो ये हो गए 1000, ये हो गए 600, ठीक है। तो 1600 और 1400 3000 हो गए, ठीक है जी। अब लिटरेट अगर हम देखें कि लिटरेट कितने हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इसमें बात करें कि लिटरेट कितने हैं, तो ये लिटरेट है, लिटरेट ये कितने हैं 600, और ये लिटरेट है, यहाँ लिटरेट कितने हैं बच्चे 1000, तो 600 और 1000 कितने हो गए 1600, तो लिटरेट हो गए हमारे पास 1600, कितना गुना 400 गुना, तो ये भी 400 गुना हो जाएगा, मतलब 400 गुना करोगे तो 2000, तो फार्मर कितने हैं भाई, ये रेशियो तो पता ना, फार्मर और लिटरेट का रेशियो में दे रखा था 5 और 4 है, ये रहा 5 और 4, तो लिटरेट हमने निकाल लिए 1600 है, 400 गुना, तो फार्मर कितने हैं, फार्मर है सर 2000, तो नॉन फार्मर कितने होंगे 1000। लो जी ये हो गया हमारा विलेज बी की सारी वैल्यू, ये आ गई हमारे पास विलेज बी की सारी वैल्यू, टोटल है हमारे पास 3000, फार्मर है 2000, नॉन फार्मर है 1000, अगर फीमेल इलिटरेट फीमेल, लिटरेट फीमेल है 600, 600 इलिटरेट फीमेल है 1000, लिटरेट मेल है 1000 और इलिटरेट मेल है 400, ठीक है सारी चीजें आ गई भाई तुम्हारी, ये बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, मेरी ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है आगे चल देते हैं अब हम लोग। अच्छा ये दिख नहीं रहा था ना, तभी मैं हटा के रखता हूं अपने आप को, ठीक है अब इसको देख लेना यार एक बार, समझ लेना ठीक है। चले आगे चलते हैं, अब हमें अभी तो विलेज सी के बारे में बात करनी है, उसके बाद तो क्वेश्चन फिर फटाफट हो जाएंगे, क्वेश्चंस में फिर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, फिर तो क्वेश्चन बहुत स्पीड में होंगे। चलो अरे चलो भाई अब आते हैं हम विलेज सी के बारे में बात करते हैं, क्या ग्रीन ही ले लेते हैं, विलेज सी के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है चलो। चले भाई बोले फार्मर इन द विलेज आर 133.33% ऑफ टोटल टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, तो वी नो दैट कि अगर हम 133.33% को सॉल्व करेंगे तो ये होता है 4/3, ठीक है। तो 3 हमारे क्या है, ये इलिटरेट है, 3 का मतलब है इलिटरेट पॉपुलेशन, और 4 का मतलब क्या है, 4 है फार्मर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है मेरे क्या क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि अगर विलेज सी के अंदर 3 लोग अनपढ़ हैं तो 4 क्या है, 4 फार्मर है, तो हो सकता है 300 क्या हो, अगर बोलूं 300 इलिटरेट है तो 400 फार्मर होंगे, ठीक है क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है द लिटरेट पीपल ऑफ द विलेज इज 800 मोर दी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। ओके 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 ओके,
तो विलेज सी के अंदर, विलेज सी के अंदर जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो 800 ज़्यादा है लिटरेट पॉपुलेशन जो थी विलेज बी के अंदर, है ना। तो अगर विलेज बी के अंदर हम लिटरेट बात करें, चलो भाई पीछे चलते हैं, अरे चलो भाई चलो, तो लिटरेट क्या बोले, विलेज बी के अंदर लिटरेट लोग कितने थे, 600 थे, ओ सॉरी 1600 थे। तो बोला है सी के अंदर, बच्चे सी के अंदर, सी के अंदर ना जो लिटरेट हैं वो कितने, 800 ज़्यादा हैं, मतलब 1600 प्लस में कितने होंगे 800, मतलब कितने हैं 2400। ये बात हम लिख सकते हैं आगे चल के, ठीक है, ये बात लिख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि लिटरेट पॉपुलेशन इन, लिटरेट पॉपुलेशन इन विलेज सी इज 1600 प्लस 800 कितने हो जाएंगे 2400, ये बात हमें बोली गई है, ठीक है। चलें आगे, बात थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। बोला द नंबर ऑफ द लिटरेट फीमेल इन विलेज ए इज सेम एज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन विलेज सी। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है, चलो पीछे चलते हैं, और पीछे चलो, हमें ये बोल रहा है कि विलेज ए के अंदर द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन विलेज ए, विलेज ए ये रहा विलेज ए, विलेज ए के अंदर लिटरेट फीमेल कितनी है 900, ठीक है, क्लियर है। इज सेम एज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन विलेज सी, तो विलेज सी के अंदर भी कितनी होंगी 900 होंगी, दोनों सेम है, विलेज ए के अंदर और विलेज सी के अंदर लिटरेट फीमेल ही बोल रहा है ना, हाँ जी लिटरेट फीमेल ही बोल रहा है, सेम है, तो कितना आ गया 900। तो लिखो भैया 900 तो लिखो यहाँ पर जाकर, ठीक है, अरे आ जा भैया, ये आएगा लिटरेट फीमेल कितने हो गए 900, ये 900 हो गए। अब लिटरेट फीमेल अगर 900 है और लिटरेट टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास 2400, है ना, तो लिटरेट मेल अगर हम बात करें तो हमारे पास 1500 होने चाहिए, है भाई, ये बात तो मैं बोल सकता हूँ ना। देखो सुनो, यहाँ एक बात समझना कि लिटरेट टोटल लिटरेट लोग कितने हैं, अब इस लिटरेट में फीमेल होंगे और मेल होंगे, तो टोटल ये लिटरेट कितने हैं बच्चे 2400 है, ठीक है। अब हमें लिटरेट फीमेल तो पता चल गई कितनी है 900, 900 है, तो 2400 में से 900 कर दो तो कितने होंगे लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कितने होंगे 1500, तो लिटरेट मेल यहाँ पर हो गए 1500, क्योंकि लिटरेट जो है बेटा लिटरेट फीमेल और लिटरेट मेल को मिलाकर ही तो है 2400, तो 900 में पता चल गया तो ये 1500 होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, 500 मेल इन विलेज आर इलिटरेट, तो मेल हमें इलिटरेट बता दिए 500 है, लो जी ये तो हमने लिखी दी, बहुत आसान बात बोल दी। तो बोल रहा है 500 मेल इन द विलेज आर इलिटरेट, और लिटरेट हमने निकाल ही लिए हैं। अब एक चीज और हमें बतानी है कि फीमेल, फीमेल कितनी होंगी इलिटरेट फीमेल, आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा शायद। द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 200 मोर देन द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। अच्छा यहीं से कहानी बनेगी भाई, बोल रहा है द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 200 मोर देन द इलिटरेट पॉपुलेशन इन विलेज ए, तो विलेज ए के अंदर जितनी भी इलिटरेट पॉपुलेशन से उससे 200 ज्यादा है, उससे 200 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा सीधा, विलेज ए के बारे में तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ये हैंग होता है कि विलेज ए के अंदर इलिटरेट फीमेल जो आई थी वो थी हमारी 600, इलिटरेट मेल थे वो कितने थे 400, तो टोटल इलिटरेट कितने हो गए 1000, कितने हो गए 1000, इनसे 200 ज्यादा है क्या विलेज सी के अंदर इलिटरेट, तो ये कितने हो गए 1200, ठीक है। तो इलिटरेट पॉपुलेशन इन विलेज सी हो गए 1200। अब इलिटरेट में से 500, 500 मेल थे, 500 मेल हो गए, तो भैया फीमेल कितनी होगी माइनस कर दो 500, कितने हो गए 700, ये हो गए 700, ठीक है, क्योंकि 500 और 700 मिलाकर ही 1200 है ये, क्लियर है। जैसे यहाँ पे इलिटरेट थे तो ये इलिटरेट फीमेल और इलिटरेट लिटरेट, ये लिटरेट पॉपुलेशन थी कितनी 2400, तो लिटरेट पॉपुलेशन मतलब फीमेल और मेल, तो लिटरेट फीमेल है 900 और लिटरेट मेल कितने थे 1500, जैसे हमने निकाल लिया। अब टोटल पॉपुलेशन निकाल लो, टोटल पॉपुलेशन भी निकालेंगे फार्मर भी निकालेंगे, पहले टोटल निकाल लो, तो इन सबको ऐड कर दो भाई, इन सबको ऐड कर दो, हमारे पास टोटल आ जाएगा इन सबको ऐड करने पर, ठीक है। तो 1500 और 500 2000, और ये कितना हो गया हमारे पास 1600, 1600 2000, 1600 कितने हो गए 36000, ये हो गया हमारे पास 36000। अच्छा
अब हमें बताने फार्मर और नॉन फार्मर, कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। ये रेशियो निकाला था हमने, लिटरेट अगर तीन है, लिटरेट अगर तीन है तो फार्मर कितने हैं? चार। इलिटरेट, इलिटरेट कितने हैं? देखो यहाँ पर हमारे 1200, तो तीन की वैल्यू कितने के बराबर है? 1200 के बराबर। भाई कितना गुना है इसका? 400 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1600। तो फार्मर कितने हो गए? 1600, और नॉन फार्मर कितने हो गए? 2000। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया हमारा पूरा का पूरा, सारी वैल्यूज आ गई। टोटल 1600 है फार्मर, सॉरी टोटल है 3600, फार्मर है 1600, नॉन फार्मर है 2000, लिटरेट है 900, इलिटरेट है 700, ये है 1500 और ये है 500। ठीक है, ये पूरी रामकथा हमारी आ चुकी है किसकी? विलेज सी की। अब बात करेंगे केवल विलेज डी की, केवल विलेज डी की बात अब हमें करनी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, चलिए खत्म सब कुछ, विलेज डी की बात करें सीधा का सीधा, है ना? चलो यार देखते हैं। पहली बात तो बोल रखा है विलेज डी के अंदर, द एवरेज ऑफ मेल इन विलेज ए एंड विलेज डी इज 1050। 1050 तो हमें मेल के बारे में बात कर रहा है, मेल विलेज ए के अंदर प्लस में विलेज बी के अंदर, इनका एवरेज दे रखा है, दुगुना कर दो कितने हैं? 2100। विलेज ए और विलेज बी के, विलेज डी सॉरी, तो डी के अंदर तो हम निकाल लेंगे, डी के अंदर हमने निकाल लिए थे अभी मेल कितने, सॉरी ए के अंदर, ए के अंदर तो हम निकाल लेंगे, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉल्व मैंने करवा दिए। ए के अंदर जो हमारे पास मेल थे वो शायद थे 1500, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है, ये थे 500 और 400, मतलब 900, टोटल कितने थे बच्चे? 900 थे। ठीक है, तो विलेज ए के हमने निकाल लिए थे कितने थे? 900। माइनस कर दो 2100 में से, तो 2100 में से अगर 900 चले गए तो हमारे पास 1200 बच गए। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि विलेज डी के अंदर जो मेल है, विलेज डी के अंदर ये वाला जो पार्ट है, मेल वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारे कितने हैं? ये 1200 है टोटल। अब इनमें से मुझे ये नहीं पता कि लिटरेट और इलिटरेट मेल कितने हैं, बट ये पता चल गया है कि ये 1200 है। ठीक है, ये 1200 है, चलो क्लियर है। तो यहां से हमने ये चीज निकाल ली। अब चलें, द रेशियो ऑफ नॉन फार्मर एंड लिटरेट पर्सन इज 5:4। तो यहां लिख रहा हूं मैं नॉन फार्मर, और यहां मैं लिख रहा हूं लिटरेट, इनका जो रेशियो दे रखा है ये दे रखा है 5:4। तो यहां लिख दिया मैंने 5:4। ठीक है, चलो आगे। अब मुझे नहीं पता नॉन फार्मर कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, ये अभी पता नहीं, तो इस रेशियो का अभी कोई ना कोई रूज है नहीं, आगे देखेंगे। जो जो वैल्यूज थी वो मैंने लिख दिया अभी। बोला 1000 पर्सन इन द विलेज आर फार्मर, बहुत बढ़िया, सीधी वैल्यू दे दी। तो ये 1000 तो क्या है? फार्मर है। 1000 क्या है? फार्मर है। ठीक है, ये तो दे रखा है। अब बोल रखा है द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए टू विलेज डी इज 6:5। देखो टोटल भी निकल गया, वाओ ये बहुत बढ़िया काम हो गया कि टोटल पॉपुलेशन का रेशियो में दे रखा है। टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, है ना, विलेज ए से विलेज डी का कितना दे रखा है? 6:5। तो विलेज ए के अंदर टोटल पॉपुलेशन थी 2400, याद हो तो, मुझे याद है कितनी थी बच्चे? 2400 थी। कितना गुना है? 400 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा अपना? 400 गुना। यहां कितनी हो जाएगी? 2000। तो टोटल पॉपुलेशन है यहां पर 2000। तो नॉन फार्मर भी कितने हैं? 1000। नॉन फार्मर भी कितने हैं? 1000। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है, कट है, ठीक है ना? अब मेरी बात को थोड़ा सा फोकस करके समझोगे तो बातें समझ में आएंगी, वरना बात नहीं समझ में आएगी। देखो पहली बात तो समझना, टोटल पॉपुलेशन मिल गई हमें कितने? टोटल पॉपुलेशन मिल गई हमें 2000। तो ये 2000 में से बच्चे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस 2000 में से हमने निकाल दिए, 1000 क्या है सर? फार्मर है। 1000 क्या है हमारे? नॉन फार्मर है। ये तो हमने फार्मर और नॉन फार्मर में इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं लिटरेट और इलिटरेट में डिवाइड करूँ इन 2000 को, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इन 2000 में से जो टोटल पॉपुलेशन है 2000, इस 2000 में से लिटरेट
प्लस इलिटरेट को भी ऐड करोगे तो भी तो 2,000 ही मिलेगा ना, ठीक है। तो लिटरेट नहीं, मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में करो, क्योंकि लिटरेट तो पता ही नहीं चलेगा ना, लिटरेट कितने हैं हमें नहीं पता, लिटरेट कितने हैं, मेल पता है टोटल कितने हैं, 1200, ठीक है। तो मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहां लिख सकते हैं हम लोग मेल, प्लस में यहां लिख सकते हैं हम लोग फीमेल। तो मेल तो हमें पता है बच्चे कितने हैं, 1200, तो बेटा फीमेल कितनी होंगी, 800। भाई मेल और फीमेल को भी मिला के टोटल ही बनेगा, फार्मर नॉन फार्मर को मिलाकर भी टोटल मिलता है, मेल प्लस फीमेल को मिलाकर भी टोटल पॉपुलेशन मिलेगी, लिटरेट और इलिटरेट को मिलाओगे तो भी टोटल पॉपुलेशन ही मिलेगी, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो फीमेल है वो है 800, वो है 800, ठीक है, फीमेल 800 है, ठीक है बच्चे। अब बात होती है लास्ट वाली लाइन की, बात बोला इलिटरेट फीमेल आर 200 लेस देन द लिटरेट मेल, इलिटरेट फीमेल आर 200 लेस देन इलिटरेट मेल, ये बात तो फंसाने वाली बात हो गई। नॉन फार्मर कितने हो गए नहीं पता हमें, है ना, फार्मर और उसका 5 और दे रखा 6 और ये दे रखा है, ठीक है। 800 हो गए हमारे पास क्या ना, 1200 हमारे पास क्या हो गए, कहीं कोई गलती करी है क्या हम लोगों ने, लिटरेट 800, नॉन फार्मर लिटरेट निकाल सकते हैं ना हम लोग, देखो लिटरेट हम निकाल सकते हैं कैसे, आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। नॉन फार्मर कितने हैं हमारे पास, नॉन फार्मर है 1000, तो ये हो गए 1000 दे रखे हैं बेटा, इसका भी तो यूज करना है, नॉन फार्मर कितने हैं 1000, तो लिटरेट कितने होंगे, लिटरेट होंगे सर 800, अरे 800 200 गुना हो गया ना, 200 गुना, तो ये भी हमने निकाल लिया। तो अगर मैं टोटल पॉपुलेशन को देखूँ यहाँ पर, तो वही टोटल पॉपुलेशन यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ कि टोटल पॉपुलेशन थी मेरे पास 2000, 2000 में से लिटरेट मेरे पास हो गई 800, तो इलिटरेट कितने होंगे, इलिटरेट होंगी 1200, बात खत्म, सब कुछ निकल गया है, ठीक है। अब यहां दोबारा से इसको समझोगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है। यहां से भी इस रेशियो का भी हमने यूज कर लिया है, जो कि अभी तक दिमाग में नहीं आ रहा था, बट अब मैंने यूज कर लिया है, क्योंकि नॉन फार्मर के 1000, इन दोनों का रेशियो दे रखा था, तो लिटरेट कितने हो गए, 800 हो गए। अगर लिटरेट 800 है तो इलिटरेट कितने हैं हमारे पास, कितने हो जाएंगे बच्चे, 1200। अब यहां समझना, बोला इलिटरेट फीमेल आज 200 लेस देन द लिटरेट मेल, ठीक है। तो इलिटरेट टोटल हैं कितने, 1200, टोटल कितने हैं 1200, बात करना अभी, हम यहां बात कर रहे हैं इलिटरेट, इन दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब इसको तो हटा लो, इसका कोई यूज है नहीं अभी, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी, तो इन दोनों को मिलाकर कितना है 1200, बट जो फीमेल है ना वो 200 कम है, 200 कम है, ठीक है। फीमेल जो है बच्चे वो कितनी है, 200 कम है, तो ध्यान से बात को समझना। इलिटरेट में तो 200 कम है, तो सीधी सी बात है कि फीमेल फीमेल कितनी होंगी, देखो ये हो जाएंगे 700 और ये हो जाएंगे 500, ठीक है, तभी तो होगा 1200। तो फीमेल कितनी है, इलिटरेट फीमेल है यहाँ पर 500, टोटल कितनी थी 800, तो यहाँ कितना आ जाएगा 300, टोटल फीमेल कितनी थी हमारे पास 800 थी ना, टोटल मेल कितने हैं बच्चे यहाँ पर हमारे पास 1200, जिसमें से मेल कितने आ गए 700, मेल कितने आ गए 700, तो ये कितने होंगे हमारे पास 500। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है, आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी कि कैसे कैसे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। मैं इतनी तो आशा करता हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो ये हमने विलेज डी को भी सॉल्व कर दिया है, तो भाई हलवा तो नहीं है, मतलब इतना आसान तो नहीं है, ठीक है, इतना आसान तो नहीं है, क्लियर है, पूरी खिचड़ी है क्वेश्चन की, अब खिचड़ी को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं, ये पूरी टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने सॉल्व करके निकाली है, ठीक है भाई, ये पूरी टेबल जो है ये हमने सॉल्व करके निकाली है। अब यहीं से हमें सारे क्वेश्चंस देने हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है हाउ मैनी नॉन फार्मर आर इन विलेज सी, विलेज सी के अंदर नॉन फार्मर कितने हैं, नॉन फार्मर ये रहा विलेज सी के अंदर नॉन फार्मर कितने हैं, 2000, तो इसका आंसर आ गया 2000, बात खत्म, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000।
ठीक है बच्चे, आगे देखिए क्या दे रखा है हमें। बोल रखा है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल किसके अंदर, कौन से विलेज के अंदर है। तो यहां हो गए 900, ये हो गए भाई 900, ये हो गए हमारे पास 1400, ये हो गए हमारे पास 2000, और ये हो गए हमारे 1200। विलेज सी के अंदर है सबसे ज्यादा 2000, ठीक है, विलेज सी के अंदर सबसे ज्यादा है 2000, तो हम बोलेंगे ओनली विलेज सी। आगे देखो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल फोर विलेजेस। तो विलेज ए, विलेज बी और विलेज सी के अंदर वही निकाल लेते हैं एवरेज, यहां पर इसके अंदर है, यहां तो हमारे पास सब कुछ है ना, ये रहा। तो ये हो गया देखो 2400 और 600 कितना, 3000, 3000, 3000 कितना हो गया हमारे पास, 3000 और 3000 हमारे पास हो गया भाई 6000, 6000 और ये हो गया 9000 और कितना हो गया 1100, 11000, सॉरी 11000। कितने भी रह, 4 अपॉन में कितना कर दोगे 4, ठीक है, अपॉन में कितना कर दोगे 4, काटा पीटी कर लो, पहले कितना आएगा 55, 2 से काटोगे तो अब तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 से ये कर गया, 2 से और काटोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2750, 2750, चलो ये आंसर 2750, ठीक है 2750 हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट फीमेल इन विलेज बी। लिटरेट फीमेल बात कर रहा है, लिटरेट फीमेल इन विलेज बी, इलिटरेट फीमेल इन विलेज डी, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो लिटरेट फीमेल इन विलेज बी, विलेज बी ये रहा विलेज बी, विलेज बी के अंदर लिटरेट फीमेल कितनी है 600, कितनी है 600, इनका डिफरेंस किससे पूछा है। इलिटरेट फीमेल इन विलेज डी, विलेज डी के अंदर इनलिटरेट, इनलिटरेट फीमेल कितनी है 500, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 100, 600 और 500 का डिफरेंस 100 आ गया, कहाँ गया है 100, बिल्कुल नहीं रहा 100, ठीक है। बस तो भाई यही था, थैंक यू सो मच। अगर देखना चाहते हो तो लास्ट में एक बार ये और देखते चले जाओ, और ये मैंने करी दी है, ये मेन आपका लास्ट वाला जो बना था ये तुम्हारा आंसर है, और मैं बोलूंगा बहुत अच्छी डीआई थी, ठीक है, क्लियर है। 5-10 बच्चे, 5 या 10% बच्चे सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, तो अब तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, अब तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि सभी को समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और अब भी ना समझ में आया हो तो बार 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 इसको देखते रहना, ठीक है, वीडियो को बार बार देखते रहना, ठीक है बच्चे। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत प्यारी डीआई में, इसी तरह से करते रहेंगे प्यारी प्यारी डीआई।